हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये डेक्स और देखेंगे डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। तो शुरू में हम लेंगे 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एंड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। किस एनर्जी में हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कलेक्टिवली, किस एनर्जी में हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स? ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज यिन एंड यांग, ठीक है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वांड्स विद व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक साइकल्स पर जीत हासिल करना चाहते हैं, अपने कर्मास को हील करना, अपने कर्मास को रिलीज करना, इस एनर्जी में ज़्यादातर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। सो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ज़्यादातर डीएम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस में हैं। कलेक्टिवली इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं। स्पेशली जिन डीएम्स की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, जिन डीएम्स के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चल रहा है, एक ऐसा फेज़ जो कि ट्रांजिशन का है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? कार्मिक साइकिल, मेजर चेंज, ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की, ये ट्रांजिशन की है। इनके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस चल रहे हैं जो चेंजेस इन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। जो भी इन्होंने सोचा था उसका ऑपोजिट हो रहा है इनके साथ। अगर इन्होंने ये सोचा था कि मेरी लाइफ ये काम करने से बहुत स्मूथ हो जाएगी या इस पार्टनर के साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, तो उसका ऑपोजिट हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो निकल कर आई है वो ये है कि इनको बार बार गिराया जा रहा है। जैसे डीएफ को बार बार तोड़ा जाता है, बार बार उनको हर्डल्स में डाला जाता है ताकि वो वापस और मजबूती के साथ खड़े होकर बाहर निकले, वैसे ही इस वक्त इनका बुरा दौर चल रहा है। इनका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, हर कार्य में अड़ंगा डाला जा रहा है, हर जगह से रिजेक्शंस मिल रहे हैं। जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वहाँ से भी इनको एक तरह से कहते हैं ना कि डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, रिजेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत डिप्रेशन में है, इमोशनली बहुत अपसेट नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डीएम ऐसे हैं जिनकी इनर हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग वे में चल रही है। इस वक्त आपको वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हुए नज़र आएंगे, जैसे इनका दुनिया से मोह माया जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो गया है। इनको बस लगता है कि कोई किसी का नहीं है, बस खुद से प्यार करो, खुद को समय दो, खुद के लिए ग्रोथ के लिए मेडिटेशन करो, डाइटिंग करो, कुछ भी करो बट खुद के लिए करो। और दुनिया क्या बोलती है, दुनिया गई तेल लेने, पूरा एक साइड, ये अपनी अपनी अलग ही ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके बारे में अगर कोई अफवाहें भी निकल रही हैं, कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आपको पता है अगर आप मेरे व्यूअर हैं रेगुलर, तो मैंने अपनी डेली रीडिंग्स में भी बताया है कि राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है। और देखिए, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में राहु और केतु बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी भी ट्विन फ्लेम की राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है या राहु उनके कोई इम्पॉर्टेंट हाउसेस में बैठे हैं, तो ये जो एनर्जी है ये बहुत मैसिव चेंजेस लेकर आएगी। और आज की चैनलिंग में मुझे ऑलरेडी राहु के दर्शन हो चुके हैं सर्प के फॉर्म में, मैंने वीडियो भी डाली हुई है माय मिस्टिकल सीरीज़ में। इसके अलावा फिश के दर्शन हुए जो कि पाइसेस राशि का सिंबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि
गेट रेडी फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांजिशन है, ये सिर्फ डीएम की लाइफ में नहीं आएगा। अगर कोई डीएफ है जो अवेकन है, उसकी लाइफ में भी ये ट्रांजिशन इफेक्ट करेगा। सो फिलहाल आपके पर्सन की ये एनर्जी है, आपको लेकर ये काफ़ी केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, और डीएम हमेशा डीएफ के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, पॉजेसिव हैं, फिजिकली भी अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और ये वापस आना चाह रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के डीएम सब जगह से निराशा हाथ लगने के बाद अब इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो हीलिंग मिलेगी, मुझे जो इनर पीस मिलेगी, वो डीएफ के पास ही मिलेगी। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, वी हैव लव वाइब्रेशन, यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप दोनों मिलकर ही एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इनकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो जैसे ही आपके साथ यूनाइट होंगे, इनकी फाइनेंशियल लाइफ, इनके लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो अपने आप रिलीज होने लगेंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं, यहाँ से नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ से इंटीमेसी की एनर्जी है, यहाँ से वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से वी हैव लव, तो डेफिनेटली ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे काफ़ी कुछ है जो ये शेयर करना चाह रहे हैं। देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके डीएम की तरफ से आपके लिए। चेंज, मैंने अभी कहा इट्स टाइम फॉर ट्रांजिशन, और यहाँ से एंजल्स ने आपको चेंज का कार्ड भी दे दिया, और सेकेंड कार्ड है यहाँ पे एक्सट्रीम्स, मेजर चेंजेस हैं ये, एक्सट्रीम चेंजेस होंगे, बहुत हद तक यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, अभी मैंने आपसे कहा कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और लास्ट मैसेज है द अनएक्सपेक्टेड, बिना एक्सपेक्ट किए ही अचानक से आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आने वाले हैं या आ जाएंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 6, मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद 6 आवर्स, 6 डेज के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। सो वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।